अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील तारिक और आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आज पीछे वाइट बैकग्राउंड की जगह एक डिफरेंट लोकेशन है। तो इस डिफरेंट लोकेशन का मतलब ये है कि एक बिल्कुल नया तरह का कंटेंट। तो इस शो का नाम है खुल के बोलो शो, क्योंकि अगर आपने खुल के नहीं बोला तो क्यों बोला। तो इस शो को स्टार्ट करने का मकसद क्या है, उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि हम इंसानों का आपस में कॉन्टैक्ट करने के लिए मीडियम क्या है, बात करना। और जब हम खुल के नहीं बोलेंगे तो सामने वाले हमारी बात समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम इस चैनल पर एक नया टाइप का कंटेंट लेकर आए हैं जिसमें हम खुल के बोलेंगे। जो हमारी जाविया की वीडियोस होती हैं उसमें प्रॉपर रिसर्च इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ मैं और आप एक दूसरे से खुल के बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स रोल द इंट्रो। आप सब ने इमरान खान साहब की स्पीच देखी होगी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन फॉर मी आई अपोज दैट डिसीजन, क्योंकि लॉकडाउन जब तक नहीं होगा कोरोना वायरस इसी तरह फैलता रहेगा। क्योंकि आप सबको ही पता है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, और कोरोना वायरस के साथ मसला ये है कि फ़ौरन सिम्टम्स नज़र आना शुरू नहीं होते। साइंटिस्ट के मुताबिक एवरेज 14 दिन के अंदर आपके अंदर सिम्टम्स नज़र आना शुरू होंगे, यानी कि सिम्टम्स नज़र आने से पहले हो सकता है कि आपको भी कोरोना वायरस हो। तो जब आप किसी ऐसे शख्स के इर्द गिर्द होंगे तो इम्कान है कि आपको भी कोरोना वायरस लग सकता है। तो अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेट मी एक्सप्लेन यू। हमारी आवाम का मसला ये है कि वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती। जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में नया नया आया था और सिर्फ 10 से 15 मरीज थे, तब भी लोग जो है सिर्फ इसको एक फ्लू की तरह समझ रहे थे कि भाई फ्लू है, सही हो जाएगा। जब तादाद बढ़ना शुरू हुई तो हम में से काफ़ी सारे लोगों ने ना ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम फलाना दुआ पढ़ लेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। देखें, कोरोना वायरस मजहब देख के अटैक नहीं करता। अच्छी बात है कि आपका बिलीफ है कि यार हम फलाना दुआ पढ़ेंगे तो हमें इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको एहतियात बरतनी चाहिए। अब परसों ही मैं न्यूज़ में देख रहा था कि हैदराबाद में एक दिन में 128 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए, और उन 128 केसेस में से 116 केसेस तबलीगी जमात वाले लोग हैं। तो जब तक हमारे लोग अपने घरों से बाहर निकलते रहेंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कोरोना वायरस का शिकार होते रहेंगे। इसीलिए मैं इमरान खान के इस डिसीजन को अपोज करता हूँ कि पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे लोगों की है। जब तक हमारे लोगों के अपने घरों से मैयतें नहीं उठती ना, तब तक हमारे लोग सीरियस नहीं होते। तो आज के इस टॉपिक पर ये मेरा जाविया था और मैंने आपके सामने सब कुछ खुल के बोल दिया, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट्स में खुल के बोलें, बात करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।